अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। आई एम राशिद सलीम एंड इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने सेकेंड लेक्चर में जो कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो जो हमारा नया कोर्स स्ट्रक्चर है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। There are 5 steps of promotions opportunity analysis. First we analyze the communication market, then we establish communication objectives. In the third step we create communication budget. Fourth step is preparing promotional strategy, and the fifth step is having certain tactics which are matching with our strategies. If we define promotions opportunity analysis, this is the process marketers use to identify target audiences for companies' goods and services and the communication strategies needed to reach these audiences. Yani do bade objectives iske bante hain. Ek to ye ki humne dekhna hai ki promotional opportunities kaun kaun si available hain hamari company ke liye. Dusra ye ki jo hamari target audience hai us tak hum apna message behtareen andaaz mein kaise pahuncha sakte hain. स्टेप वन इज़ कम्युनिकेशन मार्केट एनालिसिस, और इसमें सबसे पहले हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन के एरिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो डिस्कवर करते हैं। फिर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं ताकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का पता चल सके। उसके बाद हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के परस्पेक्टिव में, और इन सब का जो पर्पस है वो चार एरियाज़ को एग्जामिन करना है, जिसमें कंपेटिटर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कस्टमर्स हैं और हमारे ब्रांड की पोजीशनिंग है। अच्छा, हर इम्पॉर्टेंट कंपेटिटर जो है उसको एनालाइज करना ज़रूरी है, और ये जानना ज़रूरी है कि जो कस्टमर्स हैं वो कंपेटिटर्स के बारे में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो इन सब के लिए कई तरह के एनालिसिस हम कर सकते हैं। जैसे हम सेकेंडरी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, और उसमें हम देख सकते हैं कि कंपेटिटर्स अपने बारे में खुद क्या कहते हैं, ये हमें उनकी एडवर्टाइजमेंट से पता चल सकता है, प्रमोशनल मटेरियल से पता चल सकता है, उनकी वेबसाइट से या एनुअल रिपोर्ट से जो है वो हमें आइडिया हो सकता है। इसी तरह से ये जानना ज़रूरी है कि लोग हमारे कंपेटिटर्स के बारे में क्या कहते हैं, और ये हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है मुख्तलिफ जो ट्रेड जर्नल्स हैं या जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं या जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं। इसी तरह से अगर प्रीवियसली कोई कस्टमर सर्वेज हुए हैं तो उसकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं, तो ये सारा कुछ हमें जानने में मदद देगा कि लोग कंपेटिटर्स के बारे में क्या कहते हैं। फिर हम प्राइमरी रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर रिटेल बिजनेस है तो हम मिस्ट्री शॉपर्स या मिस्ट्री बायर्स के ज़रिए वहाँ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम उनके प्रोडक्ट के जो डिस्प्लेज है वो देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि उनके जो स्टाफ की डीलिंग है कस्टमर्स के साथ वो कैसी है, या उनके जो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ हम बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा जो एरिया है, हमें देखना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मौजूद हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ कई तरह की हो सकती हैं, जैसे अनआइडेंटिफाइड मार्केट सेगमेंट्स हैं या अनसैचुरेटेड मार्केट सेगमेंट्स हैं, या नई प्रोडक्ट्स जो हम ऑफर कर सकते हैं, न्यू वेज ऑफ ऑफरिंग हो सकता है, या कंपेटिटर्स के जो वीक एरियाज़ हैं वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज विद स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है और रीपोजिशनिंग, ये सारी की सारी मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह से कस्टमर्स को जानना भी ज़रूरी है। यहाँ पे तीन तरह के कस्टमर्स की मैं बात करूँगा, एक हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एक पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, और एक वो कस्टमर्स जो हमारे कंपेटिटर्स के कस्टमर्स हैं। तो इसकी डिटेल के लिए एक सपोर्ट वीडियो भी यहाँ दी गई है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर जो फोर्थ एरिया ऑफ कंसर्न है वो ब्रांड पोजिशनिंग है, जिसके बारे में बड़ी डिटेल से लेक्चर नंबर 5 में बात हो चुकी है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का स्टेप 2 है एस्टेब्लिशिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। देखें, मार्केटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम मार्केटिंग प्लान बनाते हैं।
बिल्कुल इसी तरह से उन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स में, और इन कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम प्रोमोशनल मिक्स प्लान बनाते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग ब्रांड अवेयरनेस, या चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड है, एनहांसिंग परचेज एक्शंस हैं, एनकरेजिंग रिपीट परचेजेस हैं, और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। सिमिलरली इंक्रीजिंग सेल्स है, इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट्स हैं, आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, या क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, रीपोजिशनिंग है, और इंक्रीजिंग ब्रांड लॉयल्टी है। तो कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज के दीज ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूंगा। मार्केटिंग रिसर्च ने बताया कि एक ड्राई क्लीनिंग कंपनी है, तो पहले साल में उस कंपनी का जो ब्रांड अवेयरनेस है कम्युनिटी में वो सिर्फ 20% थी, और जो सिटी की सेल्स में उसका शेयर था वो 3% था। अब उन्होंने एक नए मार्केट कंपेन जो है वो लॉन्च की कम्युनिकेशन की, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी अवेयरनेस को 30% पे लेके जाएं और मार्केट शेयर को 5% पे लेके जाएं। स्टेप नंबर 3 इज एस्टेब्लिशिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट, और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारा जो लेक्चर नंबर 9 है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का उसमें। फिर आ जाता है स्टेप नंबर 4, प्रिपेयरिंग प्रोमोशनल स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनके जो प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स और उनके प्लान्स होते हैं, फिर कम्युनिकेशन या प्रोमोशनल मिक्स स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, और फाइनली उसके जो टैक्टिक्स हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। स्ट्रेटजी कुड बी डिफाइंड एज एन एक्शनेबल प्लान टू अचीव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा माउंटेन ड्यूज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। इसके मुख्तलिफ एड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसके मजीद कुछ एड्स हैं, तो आप जहन में रखें कि यहाँ जो सिचुएशंस दिखाई गई हैं, जो करेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिस तरह की टारगेट ऑडियंस दिखाई गई है, जो एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं और जो टैग लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, ये हमें इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को समझने में मदद देंगी। जी, हमने देखा कि माउंटेन ड्यू की जो टारगेट मार्केट है वो टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स हैं, और इसकी जो पोजीशनिंग है वो आउटगोइंग, एडवेंचर, रिस्क टेकिंग या लव फॉर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है। मुख्तलिफ स्लोगन्स हमने देखे, डू द ड्यू, बीन देयर डन डैट, डर के आगे जीत है, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया, और इसके जो एड्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्शन को, एडवेंचर को, रिस्क टेकिंग को, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को, डेयरिंग यंगस्टर्स, हीरोइक करेक्टर्स और फैंटेसी मूवीज। स्टेप नंबर 5 इज टैक्टिक्स, और टैक्टिक्स जो हैं ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो किसी स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती हैं, और इन्हें किसी खास टाइम या ओकेजन पे इस्तेमाल किया जाता है, और बेसिकली ये जो कंपनी की एक नॉर्मल डूइंग्स हैं, रूटीन है, उसमें एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, और इन्हें मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का जो थीम है उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट ना हो। कई तरह से हम टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रांड लेबलिंग है, जब ईद का मौका आता है तो उस पर ईद मुबारक या जश्न आज़ादी या मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं वो हाईलाइट किए जाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ प्रमोशंस हैं, जैसे रमज़ान ऑफर है या विंटर सेल्स हैं या ब्लेस्ड फ्राइडे है, फिर कुछ अनयूजुअल फीचर्स फॉर सर्टन सेलिब्रेशंस हैं, जैसे हॉलोवीन है या वैलेंटाइंस डे है या न्यू ईयर है या मदर्स डे है, तो मुख्तलिफ तरह के टैक्टिक्स आपको उसमें नज़र आते हैं। तो जो टैक्टिकल कम्पेन्स हैं उसमें थीम बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती हैं, सेल्स डिस्काउंट्स हो सकते हैं, या स्पेशल पैकेजिंग एंड लेबलिंग हो सकती है, लकी ड्रॉज हो सकते हैं, फ्री गिफ्ट्स हो सकते हैं, बोनस पैक्स हो सकते हैं, या वॉल्यूम डिस्काउंट्स हो सकते हैं। तो कई तरह से टैक्टिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्रोमोशंस अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, और लेटेस्ट स्टेज पे ये स्टेप्स हमें मदद देंगे एक प्रोमोशनल मिक्स स्ट्रेटेजी बनाने में। थैंक यू वेरी मच।